ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग क्या करने के योग बना रहा है। शनि आपके लग्नेश है मकर राशि वालों, और शनि इस वक्त बड़ी शुभ स्थिति में चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं, परंतु मंगल जो है वो आ गए हैं विशेष तौर पर विप्लवकारी योग में, आपके बिल्कुल सामने, आपकी राशि के बिल्कुल सामने जो युद्ध स्थल है, युद्ध का भाव बोला जाता है, वहां पर मंगल कर्क राशि के होकर, नीच के होकर आने जा रहे हैं। विशेष तौर पर ये बना रहे हैं विशेष तौर पर शनि मंगल का षडाष्टक योग। शनि मंगल का षडाष्टक योग विशेष तौर पर अशुभ योग माना जाता है। क्यों? षडाष्टक योग क्या है? मंगल की दृष्टि जो है वो कई प्रकार से सप्तम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम ये मानी जाती है। चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि यानी आठवें भाव पर बैठे हुए भाव पर दृष्टि। मंगल सप्तम भाव में बैठकर वहां पर साफ साफ द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो ये शनि महाराज वहां विद्यमान है, तो शनि से होगा आठवें, और शनि मंगल से हो गए विशेष तौर पर, शनि को बात करें तो शनि से मंगल जो है वो छठे भाव में। ये षडाष्टक योग जो बोला जाता है ये शुभ नहीं है आपके लिए। ये आपस में परस्पर कष्ट देने के योग दिखाता है। तो मैं आपसे सबसे पहले एडवाइस दूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा किसी और का हो रहा आपको खींच के अंदर ले जाया जाएगा कि भाई ये भी वहां विराजमान थे, कहीं सामने कोई झगड़ा हो रहा हो आपका नाम भी लिख दिया जाएगा, चलो भाई पुलिस थाने। यानी ये योग जो है वह विप्लवकारी है, कष्ट देने वाला योग बना रहा है। मंगल यहां पर विजय कराता है, विजय कराता है, डेफिनेटली फंसाता नहीं है, लेकिन परेशान कर सकता है। आपके सदगुणों के कारण से आप परेशान हो सकते हैं, तो विशेष तौर पर आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपनी गति ऊर्ध्व करने का प्रयास करना चाहिए। झगड़ों में फंस के क्या फायदा है? ये जो योग चल रहा है शनि मंगल का योग, ये विप्लवकारी योग है। ऐसे में तो संसार में भी कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। द्वंद्वात्मक स्थिति बन सकती है, परस्पर विरोध की स्थिति बन सकती है, झगड़े की स्थिति बन सकती है, युद्ध की स्थिति बन सकती है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बन सकती है। मंगल कर्क राशि में होकर सबसे क्षीण हो जाते हैं। आपकी राशि जो मकर राशि है, और वो राशि जो है वो तो मंगल उस राशि में आके तो परम उच्च के हो जाते हैं, और ऐसे में शनि महाराज आपके लिए बड़े शुभ चल रहे हैं। बृहस्पति महाराज ने आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना रखा है, और ऐसे में उस समय को 50 दिन खा जाएंगे ये दोनों ग्रहों की युति, यानी ये ग्रहों की युति जो 30 मई तक रहेगी, और ऐसे में शनि महाराज का एक खराब स्थिति बनेगी। 17 जून को शनि महाराज वक्री भी हो जाएंगे। वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है ग्रह और ताकतवर हो जाता है, तो वक्री स्थिति में कुछ नुकसान करने के योग भी बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के झगड़े जहां भी हो रहे हैं वहां से अपने आप को हटाकर दूसरी जगह लगाने का प्रयास करें। बेकार परिवार में अशांति, चलते फिरते अशांति, जबरदस्ती नौकरी कर रहे हैं तो बॉस से भिड़ंत हो सकती है, दुकान चला रहे तो ग्राहक से भिड़ंत हो सकती है, एक चुप सौ को हराए, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। देखिए ज्योतिष क्या है, ज्ञान को, समय को जानने का तरीका है। यदि समय को जान लेंगे, यदि ज्ञान प्राप्त हो गया, तो विशेष तौर पे क्या होता है कि उससे सही मार्ग को चुन सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ज्ञान अहंकारी भी बना देता है। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम के आरंभ में एक प्रार्थना करी थी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, हमारी शरीर में बुद्धि स्वरूप आप विराजमान हो, आपको प्रणाम करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि यदि भगवान हमारी बुद्धि में बैठेंगे तो हम सदा बुद्धि को सही चलाएंगे, वही चलाएंगे हमारी बुद्धि को। यदि हम बैठ गए अपनी बुद्धि पर बनकर अहंकार स्वरूप में, तो हमारी बुद्धि तो गलत ही चलेगी। तो कोशिश ये करें ऐसे में बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास करें, किसी की गलत तरफ जबरदस्ती अपनी सात्विकता का उपयोग ना करें, कोशिश ये करें अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये ग्रहों की युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में इन सबको बचने के लिए प्रकृति ने सुंदर व्यवस्था करी है। इन ग्रहों से बचने के लिए जैसे कहा है ना, भगवान ने हर जगह कोई ना कोई समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बना रखा होता है। जो भाग्यवान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो रास्ता वो ढूंढ लेते हैं। जैसे विशेष तौर पर जब भगवान ने हनुमान जी को लंका भेजा, तो हनुमान जी ने कोई बात नहीं करी, जी प्रभु मैं जा रहा हूं, चलूंगा, बिल्कुल भगवान की आज्ञा हुई, वो उछल के चल दिए। कोई
वहां पर क्या था, भगवान ने तो पहले से व्यवस्था कर रखी थी कि वहां पर विभीषण को बैठा रखा था, जिसने पूरा रास्ता बता दिया भैया कैसे कहां कहां के करना है। जब हनुमान जी घूमने पहुंचे तब देखा रामायुध अंकित ग्रह वर्ण शोभा वर्णी न जाए, तब वो पूछ सोचते हैं कि ऐसे लंका के निश्चय जहां पर भरे पड़े हैं ऐसे यहां पर सज्जन का वास कैसे हो गया। तब देखते हैं तो भगवान की कृपा से तो वहां पर स्वयं राम राम जब जब उच्चारण मंत्र का हुआ तो वो स्वयं विभीषण जी इसी मंत्र को कह के उठे, तब समझ लिया कि सज्जन है। तो भगवान ने पहले ही बिठा रखा था। तो विश्वास रखिए इसी तरह से इस अशुभ ग्रह को ठीक करने के लिए भगवान ने सुंदर प्रभाकृति ने सुंदर योग बना दिया है। 9 तारीख को अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, मंगलवार और चतुर्थी का योग, ज्येष्ठ का महीना। मंगलवार जो ज्येष्ठ के मंगल होते हैं वो बुढ़वा मंगल माने जाते हैं, बुढ़वा मंगल सबसे शुभ मंगल। ऐसे में हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भीम को भी जब अहंकार हो गया था उसके अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए इन बुढ़वा मंगलवारों पर विशेष कथा शास्त्र में वर्णित है, तो कोशिश ये करें इन बुढ़वा मंगलवारों पर विशेष तौर पर सुंदर पाठ हनुमान जी का करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के समस्त कष्ट हट जाते हैं और मंगल के क्या शनि के भी समस्त कष्ट हट जाते हैं। मैं कथा सुना देता हूं आपको कि जब विशेष तौर पर लंका में जब का विध्वंस किया हनुमान जी ने, पवन पुत्र ने, बजरंग बली ने, तो कहा जाता है कि वहां शनि दासत्व से मुक्त हुए और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपने मुझे दासत्व से मुक्त किया है, आपके जो भक्त होंगे उनको कभी मेरी द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इससे सुंदर योग क्या है, साथ साथ शनि जयंती भी आ रही है, शनि जयंती भी आ रही है। तो शनि जयंती के दिन हम सब लोग पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं, कहां से विडंबनाएं उत्पन्न हो गई। भारतीय पराविज्ञान के अंदर सनातन पद्धति के अनुसार से प्रधान देवताओं की उपासना करने का स्थान बताया गया है। आधुनिक योग आज की तारीख में बहुत सारे भगवान उपस्थित हो गए हैं, शनिदेव, इतने मंदिर शनि के बना दिए। अरे शनि के मंदिर बनाने के कहां शास्त्र में वर्णित है, कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है कि शनि के मंदिर बनाए जाए। आप भी शनि को और पाप चढ़ा रहे हैं। अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का, परमात्मा का, वहां शनि का अभिषेक, भगवान से ऊंचा स्थान शनि को दे दिया आप लोगों ने। तो कोशिश ये करें, ऐसा भ्रांति दुनिया की लोग महान लोग हैं, बाबा लोग महान लोग हैं कि जो एक के बाद एक के बाद एक लोगों के पैसा ऐंठने के लिए सब क्या क्या स्थिति बना रहे हैं। कोशिश ये करें तेल चढ़ा के वहां पर किसी गरीब व्यक्ति को दान दे देंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने सुंदर व्यवस्था करी है, छोड़ दीजिए इस बात को। तो हमने कोशिश ये करा है कि आप जो शास्त्र में वर्णित है, जो शनि महाराज ने कहा ना कि जो भक्त मेरा रहेगा, हनुमान जी का भक्त रहेगा, उसको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। और तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा, और क्या क्या लिखा इस कलिकाल के बारे में लिखा, और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। और अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्मदिवस है, मंगल वास्तविक तौर पर वीरभद्र ही हैं, जो भगवान शिव के क्रुद्ध रुद्र अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए। और वही कथा मैंने कई बार सुनाई है, वो विशेष तौर पर सौर्यमंडल में स्थित हुए अंगारक मंगल के रूप में। तो वो खासतौर उनका जन्मदिवस है मंगल का, भूमिपुत्र जो माने जाते हैं और उनका जन्मदिवस है। तो कोशिश ये करें उनकी आराधना सुंदर करने का तरीका, मैंने आपको कहा कि 9 मई को भी अंगारक चतुर्थी है और 23 मई को भी अंगारक चतुर्थी है, मंगल और शनिवार की युति है। तो ऐसे में सुंदर योग में आप मंगल का पाठ, हनुमान जी का पाठ करें। हमने भी अपने आश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है कि सुंदर कांड की सुंदर व्यवस्था करी है, सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा, हनुमान जी की आरती की जाएगी, हनुमान जी का विशेष सवामणि का भोग लगाया जाएगा। ये सारे उपाय वर्णित हैं शास्त्र के अनुसार से। जलेबी का भोग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा शेष उपाय निकलता है कि हनुमान जी को जलेबी का भोग मंगलवार के मंगलवार लगा दीजिए, इस कष्ट को दूर करने के लिए। हनुमान चालीसा का डेली पाठ कर लीजिए, बिल्कुल कष्ट से दूर हो जाएंगे। आशा करते हैं इन सब उपायों को कर आप इस भयानक कष्ट योग को दूर करने के योग बनाएंगे। और कोई स्थिति आपके मन में प्रश्न चल रहा हो तो ये चैनल आपके अपना चैनल के लिए हमने स्थित किया है, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे भेजिए, हम तमाम प्रश्नों का निदान अवश्य देंगे। और जिनको कोई खास मुलाकात करनी है आश्रम पे आए, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहां पर वैसे तो हर रोज 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन आप सब लोग आकर उस सिद्ध स्थली पर माँ भगवती के दर्शन भी कर सकते हैं, हनुमान जी की प्राचीनतम मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, सिद्ध मूर्ति है। जो लोग अनेक कष्टों से ग्रसित होते हैं, शादी में योग विघ्न आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, जो हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं तो उनकी कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं आपके प्रश्नों का निदान आपको मिला होगा। धन्यवाद।